हे गाइस व्हाट्सअप, सब्सक्राइब कीजिए इंसाइक्लोफैक्ट्स को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे और भी अमेजिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाने के लिए। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा कि डायनासोर का अंत ही मानव की उत्पत्ति का कारण था, तो यह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत होने के कई लाखों करोड़ों साल बाद एक समय ऐसा भी था जब डायनासोर की कई प्रजातियां विकसित हो रही थीं, जिनमें से कुछ शांत स्वभाव के डायनासोर तो कुछ विशालकाय हिंसक, कुछ शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी प्रजातियां भी विकसित हुईं, और लगभग 14 करोड़ सालों तक इन्होंने पृथ्वी पर राज किया। इस समय इन घातक और विशालकाय डायनासोरों के कारण अन्य जीवों की प्रजातियां विकसित नहीं हो पा रही थीं, क्योंकि ये विशालकाय हिंसक जीव उन्हें अपना भोजन बनाकर खा जाते थे। तो पृथ्वी पर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण इतने हिंसक प्राणी, जिसके कारण पृथ्वी पर अन्य जीवों की प्रजातियां विकसित नहीं हो पा रही थीं, आखिर उनकी सभी प्रजातियां एकदम से नष्ट कैसे हो गईं? इसे जानने के लिए हमें डायनासोर के युग में जाकर उस दिन को देखना होगा जब डायनासोर का इस पृथ्वी पर आखिरी दिन था। तो चलिए चलते हैं आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर सब कुछ सामान्य था। वातावरण में ठंडी ठंडी हवाएं और समुद्रों में लहरें उठ रही थी, और इस समय सभी छोटे बड़े डायनासोर अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। दरअसल आज से करीब 10 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष से एक एस्टेरॉयड का टुकड़ा सौरमंडल की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। यह एस्टेरॉयड का टुकड़ा मंगल और बृहस्पति के बीच बने एक क्षुद्रग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है, और इसी टक्कर के कारण इस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा पृथ्वी की ओर हो जाती है। हालांकि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चांद भी उसी दिशा में होता है जिस दिशा में एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन शायद वह दिन पृथ्वी के लिए एक अभिशाप था, इसलिए एस्टेरॉयड चांद को बहुत करीब से छूकर निकल जाता है, और लगभग 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, और वायुमंडल में घर्षण के कारण यह एक बहुत बड़े आग के गोले के रूप में तब्दील हो जाता है। इसकी रोशनी इतनी तेज थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव लगभग अंधे हो चुके थे, वे इसे देख नहीं पा रहे थे। और कुछ चंद सेकंड बाद जब यह पृथ्वी से टकराता है तो इतना जोरदार धमाका होता है कि पृथ्वी की लाखों मीट्रिक टन धातु अंतरिक्ष में चली जाती है, और इस टकराव वाले स्थान पर लगभग 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन जाता है। इस टकराव के कारण गड्ढे का सारा मटेरियल ऊपर जाकर आसमान में धूल के एक बादल में तब्दील हो जाता है, और टकराव के कारण पूरी धरती में भूकंप आने लगता है, जिसके कारण कई ज्वालामुखी और समुद्रों में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं। धरती चारों ओर से प्रलय से घिर जाती है। इस महाविस्फोट के कारण धरती पर रेडिएशन की मात्रा इतनी अधिक हो चुकी थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव पूरी तरह जलकर राख हो चुके थे, लेकिन धरती के इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर बच निकले थे। किंतु अभी तो महाविनाश की प्रक्रिया शुरू ही हुई थी। इस महाविस्फोट के कारण जो लाखों मीट्रिक टन धातु आसमान में चली गई थी, वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण कुछ मिनटों बाद ही आग के गोले के रूप में बरसने लगी थी, और इसके साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। यह धूल के बादल कई किलोमीटर तक मोटे थे, जिसके कारण पृथ्वी पर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पा रही थी, और पृथ्वी का तापमान बहुत तेजी से बढ़ने लगा था, जिसके कारण पेड़ पौधे भी लगभग पूरी तरह से समाप्त होते जा रहे थे। पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण विस्फोट से बहुत दूर पृथ्वी के दूसरे हिस्से के जानवर इस गर्मी को सहन नहीं कर पा रहे थे, और धरती के इस तपन के कारण वे भी जलते जा रहे थे। इस महाविनाश में पृथ्वी के लगभग 90% जीव पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे, और बचे हुए 10% जीव वे जानवर थे जिनका वजन 25 किलो से कम था, जिन्होंने धरती के अंदर बिल बनाकर अपने आप को इस महाविनाश से बचा लिया था। दरअसल ये जानवर थे मैमल्स, जो कि चूहों की तरह दिखते हैं। मैमल शुरुआत से ही डायनासोर से बचने के कारण बिल बनाकर रहा करते थे, और डायनासोर के विनाश के कारण ही यह विकसित हो पाए, और इनकी यही खासियत हमारे लिए वरदान साबित हुई। महाविनाश के बाद जब पृथ्वी पर सब कुछ शांत हो चुका था, तब पृथ्वी पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उस समय पृथ्वी पर जो भी था इन्होंने सब कुछ खाना प्रारंभ कर दिया और अपने आप को जीवित रखा। अब इन्हें डायनासोर का भी डर नहीं था। महाविनाश के बाद अब पृथ्वी फिर से सामान्य होने लगी थी। पृथ्वी से धूल के बादल भी हट चुके थे, जिसके कारण सूरज की रोशनी फिर से पृथ्वी पर आने लगी थी, और पेड़ पौधे फिर से उगने लगे थे,
और पृथ्वी पर जो जीव बच गए थे उनमें एडाप्टिव रेडिएशन की प्रक्रिया के कारण नई नई प्रजातियां जन्म लेने लगी थीं। और आज से करीब 4.7 करोड़ साल पहले धरती के वातावरण में भी बदलाव होना शुरू हुए। धरती की टेक्टोनिक प्लेटों में हलचल होने लगी, जो कि धरती के दो बड़े महाद्वीपों को पृथ्वी के दूसरे बड़े महाद्वीप एशिया की ओर ले जाने लगी। और जो महाद्वीप एशिया से टकराया था वह था हमारा भारतीय भूभाग। और भारतीय महाद्वीप के एशिया महाद्वीप से टकराने के कारण ही हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, जो आज दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। और इतनी ऊंचाई के कारण पृथ्वी के क्लाइमेट में चेंजेस आने लगे, जिसके कारण वहां बर्फ जमने लगी और पृथ्वी ठंडी होने लगी। पर्वत से नीचे आने वाली यही बर्फ पिघलकर कई नदियों में परिवर्तित होने लगी, जिसके कारण कई नदियों का निर्माण हुआ। आज से करीब 3 करोड़ साल पहले धरती का तापमान काफ़ी कम हो चुका था, जिसके कारण पृथ्वी पर घास के मैदान बढ़ने लगे थे। तब ऐसी प्रजातियां विकसित हुई जो खुले मैदानों में रह सकती थी, और इनके साथ ही कुछ मांसाहारी जीवों की प्रजातियां भी विकसित हुई। आज से करीब 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी का रूप लगभग आज के समान हो चुका था। सभी महाद्वीप लगभग जाने पहचाने से थे, लेकिन आज से 40 लाख साल पहले धरती की टेक्टोनिक प्लेटों में फिर से हलचल होने लगी, और इनके कारण अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसका नाम था ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इस पर्वत श्रृंखला के निर्माण से यहाँ भी क्लाइमेट चेंजेस हुए, लेकिन यहाँ का क्लाइमेट कुछ इस तरह से चेंज हुआ कि यहाँ बारिश आना ही बंद हो गई, जिसके कारण यहाँ के हरे भरे पेड़ पौधे सूखने लगे। और यहीं रहा करते थे पेरोला नाम के द ग्रेट एप्स, जो मानवीय प्रजाति के पहले पूर्वज थे। ये ग्रेट एप्स पेड़ों पर रहा करते थे, लेकिन वहाँ पेड़ पौधे के सूख जाने के कारण इन्होंने धरती पर रहना शुरू कर दिया था। और लगातार क्लाइमेट चेंजेस के कारण इनकी कई प्रजातियाँ विकसित हुईं, जिनमें से कुछ चिंपांजी, गोरिल्ला तो कुछ इंसानों में विकसित होने लगे थे। जो एप्स इंसानों में विकसित हुए थे वे थे एडिपिथिकस रेमिडस, जिन्होंने पेड़ों से उतरकर जमीन पर पैर रखा। ये तेज दिमाग के हुआ करते थे। अब कई हजारों सालों की विकास प्रक्रिया के बाद इनका दिमाग काफ़ी विकसित हो चुका था। और ये थे होमो हैबिलिस, जिन्होंने पत्थरों से कई खोजें शुरू की, जैसे पत्थरों से हथियार बनाकर उनसे शिकार करना, पत्थरों से पहिए का निर्माण कर अपने काम को आसान बनाना। धीरे धीरे समय बीतता गया। कई हजारों सालों की विकास प्रक्रिया में अब हमारे पूर्वज और भी ज़्यादा होशियार हो चुके थे, जो अब झुंड में रहकर शिकार करते थे। ये थे होमो इरेक्टस, और इसी समय इन्होंने दो पत्थरों को आपस में टकराकर आग की खोज की। आग की खोज इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इससे वे मांस को भूनकर खाने लगे थे, और आग को उन्होंने जानवरों से अपनी सुरक्षा का भी आधार बनाया। आज से करीब 2 लाख साल पहले इनके मुंह के अंदर आवाज़ की नली, जिसे लैरिंग्स कहा जाता है, जो इनमें गले के ऊपर होती थी, वह धीरे धीरे नीचे आने लगी थी, जिसके कारण इन्होंने आवाज़ निकालना शुरू कर दिया था। और अब ये अपनी आवाज़ों से अपने साथियों को मैसेज भेजने लगे थे, और फाइनली इन्होंने बोलना सीख लिया था। आखिरी विकास प्रक्रिया में इनका दिमाग इतना तेज हो चुका है कि इसने अपने पैर चांद तक पहुंचा दिए हैं। इसने पक्षियों को देखकर उड़ना सीख लिया है, मछलियों को देखकर तैरना सीख लिया है, और हर रोज़ कुछ न कुछ नए आविष्कार करते जा रहा है। फाइनली हमारी आखिरी विकास प्रक्रिया यही है कि आप इस वीडियो को अपने घर पर बैठकर देख पा रहे हैं, यानी ये हैं हम आज के मानव। तो फ्रेंड्स, ये था डायनासोर के काल से मानव के विकास तक का सफ़र। अब बात करते हैं चैनल के विकास के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आने वाला वीडियो आप समय पर देख सकें। और जानना चाहते हो डेली न्यू अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, तो फॉलो करो इंस्टाग्राम पर, जिसकी